हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टार्स गेमिंग। चलिए दोस्तों, आज खेलेंगे फार्मिंग सिम्युलेटर 19 का अगला पार्ट, उसको कंटिन्यू करते हैं बस फटाफट। वेलकम बैक दोस्तों। चलिए भाई इसे करेंगे फटाफट से स्टार्ट, और साउंड थोड़ी मैं कर लूँगा अपनी सेट भाई, क्योंकि फिर तो दोस्तों ये आ गया है हमारा पुराना खेत, क्योंकि जहाँ हमारा घर होता है गेम वहीं से शुरू होती है। तो भाई ये यहाँ पे शुरू हो गई है शायद, अब देखते हैं हमारी फसल। अभी पुराना खेत है भाई, ये अपनी फसल अभी फर्टिलाइज ग्रोइंग अभी तो बढ़ रही है भाई। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल मैंने ये पूरा खेत कर दिया, और भाई एक और ली है मैंने पीछे, वो देखिए आप कौन के लिए मैंने कौन हेडर और एक अपना हार्वेस्टर लिया है। अभी हमारे पास दो हार्वेस्टर हो गए हैं और ये दो ट्रक लिए हैं मैंने, और भाई अब इसकी करनी है हमें प्लोइंग। तो प्लोइंग के लिए भाई हम चलेंगे गैराज के अंदर, हमें चाहिए बड़ा सा प्लो करने के लिए। तो प्लो और ढूँढेंगे हम प्लो, ये प्लो है भाई, ठीक है इसको देखते हैं। ये है भाई, ये है 6.2 meters, ये है 10 meters का, सबसे बड़ा यही है। तो चलो फिर इसे ख़रीद लेंगे। एक इसमें क्या क्या ऑप्शन है, यूनिवर्सल, अच्छा आपको और बढ़िया लगाना है तो ये है भाई, ये स्टैंडर्ड है और ये बढ़िया वाला है। तो चलो बढ़िया वाला सामान लेते हैं भाई, बढ़िया, ओके इससे और बढ़िया होगी। तो इसके लिए भाई एक ट्रैक्टर भी चाहिए, एक मिनट गैराज में जाऊंगा। और मेरे पास ये दो ट्रैक्टर हैं, और एक ये मैंने कल लिया था, और ये मैंने कल सामान खरीदे थे तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ये जॉन डीरे, ये जॉन डीरे का है भाई, लिया था एक 9 meters का, ये कॉर्न और सूरजमुखी को काट सकता है, हार्वेस्टिंग कर सकता है। और ये है 12 meters का, ये है 9 meters का, ये दोनों एक ही हैं। अभी हमारे पास एक और हेडर था मेरे पास पुराना, जो पुराने खेत में था वो मैंने बेच दिया, ये हमें ये नहीं चाहिए तो इसको भी बेच देंगे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये है भाई एक मशीन हमारे पास पड़ी है, तो अब हम बड़ी लेंगे तो इसको अभी हम बेच देंगे, ओके। ये है भाई हमारे पास एक अभी फर्टिलाइज़र के लिए, इसको अभी रहने देंगे। तो ट्रैक्टर हमें लेना है एक थोड़ा सा बड़ा, ताकि प्लोइंग के लिए मजबूत। इसकी हॉर्स पावर है 125, और ये दोनों सेम है, इसको एक को बेच देंगे और ओके। और भाई एक बड़ा सा लेंगे हैवी, जो कि प्लो कर सके, तो इसके लिए हम लेंगे भाई को देखते हैं बढ़िया सा। और ये चेन वाला जॉन डीरे चैलेंजर फेंडेट नीहोलैंड, बहुत ही तगड़े हो गए भाई, ये ले लेते हैं। ये है भाई 301 और 409 हॉर्स पावर का, तो भाई इसको करते हैं कस्टमाइज़ ज़रा, इंजन इसमें लगा देंगे और बढ़िया वाला, हाँ व्हील इसमें डबल वाले लेंगे, आगे सिंगल पीछे डबल ये वाला, ठीक है इसको करेंगे बाई, यस ओके। भाई प्लो के लिए बहुत जोर लगेगा ट्रैक्टर का, तो हमें ज़रा तगड़ा सा खरीदना है। तो भाई अब जाएंगे फटाफट से अपने इसमें, और इस प्लो को लगा लेंगे इसके पीछे। भाई कल मैंने मकई बेची थी, कॉर्न बेचा था बहुत सारा, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे उससे, काफ़ी पैसे मिले भाई। तो देखो मेरा बैलेंस $106 million हो गया अभी, तो भाई इसको लेके चलेंगे। चल भाई गाड़ी वाले निकल जा फटाफट, ये कैसा है भाई अंदर से सब सेम ही है, बाहर से ही देखना है सही है। चल भाई चल रुक मत, तो हम ये ले जाएंगे इस फ्लो को, ये देखो काफ़ी बड़ा है। तो कर देंगे पहले उसकी प्लोइंग, फिर करेंगे भाई सीडिंग, उसमें सोयाबीन लगाएंगे अभी, और एक भाई फार्म भी बनाना पड़ेगा अपना नया, अपना घर, और
क्योंकि ये सारा सामान खड़ा कहाँ करेंगे, ये सड़क पे तो नहीं रख सकते ना। और फिर इनकी सफाई भी करनी है, धोना भी इनको, तो इनको धोएंगे धुलाएंगे, मकान बनाएंगे अपना, बढ़िया सा फॉर्म बनाएंगे भाई बड़ा सा। तो ये जा रहा हूँ मैं अभी तो अपने खेत पे। चल भाई चल चल मुन्ना फटाफट। ये पैटरसन स्कॉट यार्ड, अरे 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 सॉरी यार, अरे यार मैं उधर पढ़ रहा था ऊपर क्या लिखा है उस चक्कर में भाई ये, अरे यार बच गया बच गया। तो भाई इसको ले आऊँगा यहाँ पे कोने पे, अब ये देखेंगे कि ये कितना बड़ा होने वाला, और एक बार आर दबाएंगे और देखेंगे, अनफोल्ड करेंगे इसको पहले तो। ठीक है इसको रोटेट करेंगे दूसरी तरफ, तो टर्न करने के लिए हमें भाई बी दबाना। तो उसको ये लाऊंगा इस कोने के ऊपर भाई इधर, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे भाई एक हेल्पर और हम चलेंगे भाई इसको बंद कर देंगे, ये फ्लो कर देगा और हमारे ट्रक वगैरह तो साइड में ही हैं, बीच में तो नहीं आ रहे, इसको थोड़ा साइड में करते हैं भाई। चल अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया, तो भाई थोड़ा तो साइड में कर दो, ये भी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। तो ये देखो अभी तो मेरे सारी गाड़ियां भाई रोड के ऊपर ही खड़ी हैं, तो ये प्लो कर रहा है जब तक, ये काफ़ी बड़ा खेत है इसमें टाइम लगेगा। तो एक मिनट इसको लेके जाता हूँ, ये ट्रैक्टर तो है, एक छोटा प्लोअर और खींचता हूँ, इसको भी लगाता हूँ काम पे, ताकि दो प्लोइंग करेंगे इधर से एक उधर से, फटाफट हो जाएगा खेत। तो मैंने कल दो हार्वेस्टर से करी थी हार्वेस्टिंग दोनों की, तो हार्वेस्टिंग कर दी दो हार्वेस्टर से मकई की, तो भाई बहुत जल्दी हो गई फटाफट से, पता भी नहीं लगा कि कहाँ पर गया, इतना बड़ा खेत चुटकियों में भाई हो गया। तो वो जब तक कर रहा है मैं इसको लेके जाता हूँ भाई, इसको एक और फ्लो खरीद, क्योंकि फ्लो के लिए मुझे इसको ट्रैक्टर को लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इन दोनों को लगा दूँगा काम पे और मैं फिर अपना करूँगा उसको सीडिंग। वैसे प्लोइंग के बाद उसको बराबर भी करना होता है, एक आता है सब सॉइलिंग, तो वो हमारी प्लोइंग जो हमने लगाई है नई वाली बढ़िया है, उसी से सारा काम हो जाएगा, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड यार, एक चीज़ और देखनी थी, इस हमारे फील्ड में लाइम की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, इसमें अभी लाइम की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल अगली बार पड़ेगी। चलो यही देखना है भाई, लाइम अगर ज़रूरत है तो लाइम डालना पड़ेगा ना, अभी तो लाइम की ज़रूरत नहीं है। और हर्बिसाइड की मशीन भी मैंने अभी भेज दी है, वीड स्प्रेयर जो है, तो वह एक बड़ा ख़रीदूँगा मैं फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी सीडिंग के बाद, तो वो भाई एक बड़ा सा लेगी उस पूरे अपने खेत को कर देंगे एकदम वीड फ्री, वीड सारे मार देंगे। और उसके लिए ये फर्टिलाइज़र भी कर देगा ये, तो ये पड़े हमारे बॉक्स, इसी में आवाज़ मिलूँगा। तो भाई जाऊँगा स्टोर में, लो देखता हूँ और कौन सा है भाई, ये है 6 मीटर का, ये हमने लिया एक यही वाला, ये हमारे पास था एक पहले 2.5 मीटर का, ये लेंगे एक 6 मीटर का। ओके इसको कर देंगे, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, इसको लेंगे भाई। ओके तो भाई वो आ गया अपना, ये अटैच किधर से होगा, इधर से ही होगा, वो एक पहिया पीछे है ना,
देखते हैं ये खींच लेगा कि नहीं इसको। अबे 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 ये क्या हुआ, एक सेकंड यार, इसको भाई F1 करके और इसको टर्न कर देंगे, इसको कर देंगे टर्न। कहाँ से होगा ये, हायर वर्कर लो ब्लोअर लो, ऊपर उठाएंगे इसको V से, तो इसको घुमाना पड़ेगा V से। ये सीधा किससे हो रहा है, सीधा ही नहीं हो रहा यार, ये तो फोल्ड फोल्ड F से थोड़ा सीधा हुआ बस, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा संभाल के ले जाना पड़ेगा। अरे अरे चल भाई चल 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 भाई, लगता है इसको कैरियर पे ले जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। चल भाई किधर जा रहा है ये, अरे ट्रेन भी आ गई, मर गया मैं। अबे ये क्या कर दिया, अबे बताओ भाई अब क्या होगा यार, इसका एक इलाज है, पी पे जाऊंगा। अरे यार स्टोर पे जाओ भाई, गैरेज और लीज आइटम ऑन आइटम, ये हमारे पास एक, इसको कर देंगे सेल। यस ओके भाई, जो अभी अभी लिया है ये फ्लोर 6, हाँ इसको भी कर देंगे सेल, तो वो दोबारा स्टोर में आ जाएंगे। यही एक रास्ता है वो, क्योंकि वो तो पलट गया। ये है, ये क्या चीज़ है, ये भी ये 5 मीटर का है, वो ज़्यादा ही लंबा है। चलो इसको लेते हैं भाई। यस ओके बैक करेंगे यार, एक हमारे पास ट्रैक्टर भी, गैरेज लीज आइटम ऑन आइटम, ट्रैक्टर हमारे पास एक ही है, एक एक ही तो काम पे लगे हुए हैं, तो भाई ट्रैक्टर लेंगे फिर वो एक और। इसके लिए ये हॉलैंड का हमारे पास है, ओके स्टैंडर्ड। चलो वो मेरा ट्रैक्टर भाग चला गया भाई, अब मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा यार, वो चल ही ना रहा था, फोल्ड भी नहीं हो रहा था। चलो भाई इसको लेके चलते हैं, ये तो सीधा सीधा लग रहा है। चल भाई चल, तू तो चलेगा कि नहीं, ये तो सही लग रहा है, चल रहेगा ये सीधा। चल 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 चल, ट्रेन ना आ जाए, फटाफट निकालो। तो भाई धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, फिर हमारे पास बड़ा सा हो जाएगा, सारे इक्विपमेंट बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर हम अपना आराम से कर सकते हैं जो भी करना है, बड़े बड़े लैंड लेके खेती कर सकते हैं आराम से भाई, और क्या। अरे 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 गलत बटन दब गया, सी दबाना था, वी दब गया। भाई प्लो और नीचे हो गया था, बटन दब गया था यार मुझसे, मैंने सी दबाना था, वी दब गया। कोई बात नहीं, बटन बटन दब जाता भाई कभी कभी यार, नाक की खुजली होती रहती है, जब देखो तो ऊपर ऊपर खुजली की होती रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है, कितना कर दिया इसने। ये तो भाई अभी इतना ही होगा इससे, तो इसको लगाते हैं उस कोने से।
लो इसको वी करेंगे और थ्री दबाएंगे क्रूज मोड। बस इतना सी कर रहा है ये एरो वाई, ये बाहर जा रहा है। अरे यार एक मिनट, चल ये काट किधर को रहा है। ओके इसमें है हायर लिफ्ट लिमिट टू फील्ड वी। अबे लो तो करेंगे अलाउ क्रिएट फील्ड। ओके चल भाई कर क्रिएट फील्ड। ये तो बहुत छोटा है यार, इसको और घूमना चाहिए। नहीं यार पर इसके पहिए देखो ना आप, ये पिछले वाले सीधे हैं, इसका ओनली इतना ही है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है। तो यहाँ पे लगा देंगे भाई एक हेल्पर। क्या हुआ, अरे हेल्पर क्या करने लगा। अबे 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 अबे, अरे भाई ये तो दूसरी तरफ ले जाने लगा, उसने तो बाहर ही कर दिया भाई। ये कैसा हेल्पर है भाई, सीधे सीधे ही करेगा क्योंकि खेत टेढ़ा है ना, तो ये सीधे सीधे ही करेगा, ये सीधे सीधे लेगा, फिर साइड की बाद में हमें खुद करनी पड़ेगी। तो बहुत छोटा है यार प्लो, और बड़ा चाहिए, ये छोटा है। उसको देख के उसने क्या कितना कर दिया। हाँ ये है ना बड़ा, इससे हो रही है सही, ये चाहिए भाई बड़ा वाला। सीडिंग तो फटाफट हो जाएगी लेकिन प्लोइंग में ही टाइम लगेगा भाई, ये बहुत छोटा है। वही लेना पड़ेगा भाई बड़ा वाला। इसको कर दूंगा डिसमिस एच से और पी दबा के एक बार स्टोर पे जाऊंगा भाई दोबारा। और गैराज लीज आइटम ऑन आइटम, ट्रैक्टर तो ठीक है, प्लोअर कर देता हूँ रिप्लेस, इसको करता हूँ सेल। यस ओके, ट्रैक्टर कौन सा है ये, इसको भी कर देंगे भाई सेल। यस ओके, इसमें जाएंगे ट्रैक्टर और लेंगे यार बड़ा। ये केस ये ठीक है, व्हील सेटअप वेट ओके, इंजन सेटअप इंजन लेंगे बड़ा ओके बाय बाय। यस ओके, अब लेंगे भाई प्लो, लेना पड़ेगा बड़ा वाला। वही भाई एक ही प्लो है 12 मीटर वाला, यही वाला ओके। तो बाय यस ओके, टैब मारेंगे टैब टैब। ये आ गया हमारा नया ट्रैक्टर और ये बड़ा प्लो, बस छोटे से तो काम नहीं बनेगा, वो तो फिर सारा दिन लगा रहेगा, बहुत टाइम ख़राब होगा उसमें भाई।
अभी हमें इसे मोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आइए, इसको सीधा सीधा लेकर चलेंगे। ये सही है भाई, वो तो बहुत छोटा था भाई, उसमें तो बिल्कुल मज़ा ही ना आता, फिर फ़ायदा क्या होता, इतना टाइम भी ख़राब हुआ हमारा। तो फ्लोर भी चाहिए बड़े बड़े भाई, अगर फ्लोर नहीं चाहिए होंगे तो बाद में बेच सकते हो आप, स्टोर में जाके सेल कर दो, तो क्योंकि बाद में अगर फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने गन्ना नहीं लगाना या सूरजमुखी या शुगर बीट और कॉर्न अगर आपको नहीं लगाना है कभी भी, तो भाई आप इसको बेच दो, क्योंकि पड़े पड़े बेकार होंगे ये, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो लो इसको लगाते हैं भाई इधर से, इसको उसी तरह से लगाऊंगा जहाँ उन्होंने उसने शुरू किया। क्योंकि तो खेत एक तरफ से टेढ़ा है ना, ये कोना देखो, उसने बाहर नया फील्ड बना दिया, उसको लाइम की ज़रूरत पड़ गई है। वो ये दिखा रहा है कि भाई लाइम डालो इसमें, अंदर अंदर करने की, लेकिन वो बाहर कर दी उसने। तो इसको लगाता हूँ जहाँ से वो सीधा है, ये यहाँ से, तो भाई अब इसको देखते हैं कैसे खुलेगा, एक्स से अनफोल्ड होगा पहले, तो ये लो ये खुल गया, और वी से नीचे हो जाएगा, वी से वी डाउन, और भाई अब क्रूज मोड ऑन कर देंगे, तो ये अपना चल पड़ा भाई सीधे सीधे। अब इसको छेड़ना नहीं है, जिधर ये जा रहा है सीधा सीधा भाई उधर ही जाएंगे, एक उधर से कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, तो ये दोनों फटाफट कर देंगे, 12-12 मीटर 24 मीटर हो गया, तो जो रह जाएगा बाकी उसको बाद में देखते हैं, क्योंकि इसने बीच में छोड़ दिया है, वैसे टेढ़ा जा रहा है, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। आप देखो ना ये कटाई जो कर रखी है बिल्कुल सीधी सीधी, इसी की लाइन में चलना है हमको बिल्कुल, तो क्या है कि सीधा होगा। चलो जब तक ये कर रहा है, हम अपना भाई कहाँ गया, अरे अरे यार वो कहाँ गया, अरे अरे ये सीडर, इसमें हमारा माल फूल है, इसको देखते हैं एक बार, इसको ले आएंगे थोड़ा वापस। देखने में गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही, ये तो एक ही बार में कर देगा यार, इसको करेंगे अनफोल्ड, देखते हैं कितना बड़ा होता है भाई, खोल के खुल जा सिमसिम, ये तो बहुत बड़ा भाई, अभी तो प्लोइंग भी ना हुई कुछ भी, ये तो सीडिंग तो फटाफट कर देगा ये भाई, प्लोइंग में टाइम लगता है, तो भाई ये है इतना बड़ा, इसको थोड़ा इस किनारे पे ले जाना पड़ेगा, हुआ भाई सीधा, और थोड़ा इसको करेंगे बी से डाउन, और ये हो गया भाई टर्न ऑन फॉरवर्ड, बी से
और तीन दबा देंगे। तो लो भाई सीटिंग भी शुरू हो गई। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, मैंने 20 मैंने वो बीज नहीं सिलेक्ट करा, देखो वीट आ रहा है, वीट नहीं डालना मुझे, मुझे डालना था कहाँ पे गया भाई, इसमें ऑप्शन ही ना आ रही जी। ये तो इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा देंगे भाई इसको, सिलेक्ट वीट, अब आया सिलेक्ट सीड सॉरी। तो वीट हमें वीट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोयाबीन, सोयाबीन सिलेक्ट हो गई है। अब हम इसको वापस ले आएंगे एक बार, क्योंकि तो दोबारा करनी पड़ेगी। आ जा भाई आ जा, वापस आ जा। अब करेंगे इसको वी बी से ऑन, और अब करेंगे क्रूज मोड ऑन। अब सोयाबीन लग रही है, वो गलत हो गया था भाई। तो भाई ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का यार, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सोयाबीन की जगह पता लगा वीट उठ गई, फिर अब बाद में कहोगे वीट, थोड़ा इसको किनारे पे ले आना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बीच में आओ। चलो भाई यहाँ पे लगा देंगे हेल्पर। अब ये अपना वीट जब तक वो कर रहे हैं दोनों, वैसे आप इसको एक और मशीन आती है सब सॉइलिंग, उसके साथ कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं प्लोइंग के बाद। तो अब इससे उतर जाऊंगा मैं और देखता हूँ कि हो रहा है काम कि नहीं। अच्छा मैं उतरा तो भाई वो रुक गया। तो ठीक है भाई, ये हो गई हमारी सीडिंग होने लगी, सोयाबीन उग गया और फर्टिलाइज 50% हो रहा है। तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए भाई, वो फर्टिलाइज के डिब्बे पड़े हैं हमारे पास बाहर, तो उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा और सामान। ठीक है ये सब ठीक है, सोयाबीन हो गया। मैंने गलती से गेहूं लगा दी थी पहले, यहाँ पे शायद गेहूं दिखाएगा नहीं। तो चलो ठीक है भाई, इसको करते हैं वापस। इसको क्या हुआ, ये क्यों रुक गया, अबे इसने इतना सा करके रोक दिया, इसने काम क्यों रोक दिया भाई। अगर आपको डायरेक्ट जाना है किसी के ऊपर तो भाई आप यहाँ से क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हैं ऐसे गाड़ी के ऊपर। नहीं ये रीसेट का है, इसको क्या हुआ, अच्छा ये झाड़ रहा है। इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं काम कर रहा, तो काम ही रोक दिया। वी ये आगे नहीं बढ़ रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा ये फंस गया था कहीं, ओहो कहीं फंस गया था भाई, ये ले नहीं रहा था कहीं। यहाँ पे लगा देंगे वर्कर, अच्छा वर्कर से काम नहीं हो रहा था भाई, वहाँ से कुछ फंस गया था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था वो। तो भाई ये पूरा एफओबी है, आप एफओबी चेंज कर सकते हैं, ये अभी 60% है। आप ऑप्शन में जाके जब गेम स्टार्ट होती है तो वहाँ पे ऑप्शन आती है एफओबी, आप और 70% 80% कर सकते हैं, फिर और जूम होएगा मतलब और बड़ा हो जाएगा, आपको ये छोटी छोटी लगेंगी चीज़ें। फील्ड ऑफ व्यू जो हम गेम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, फील्ड ऑफ व्यू भाई उसे कहते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू से क्या होता है कि आपको फिर ये और दूर तक आप देख सकते हो उसको छोटा करके। चल भाई करते फटाफट, इसने कितना किया है।
ले भाई, इसने सीटिंग तो कर भी दी। सीटिंग में टाइम नहीं लगता, फ्लोइंग में टाइम लगता। अभी जब तक ये इधर आएगा ये उधर जाएगा। तो आज हमारे ये खेत हो जाएगा भाई। तो भाई घर में आज तो मेरा बर्थडे था, तो घर में कुछ काम भी थे भाई, और कुछ खाना वाना भी बनाना था मेरे को, कोई डिश बनानी थी। मैं डोसे वगैरह बनाए थे आज, मसाला डोसा, चटनी और भाई सांभर बढ़िया सा। तो शाम को भी फिर मेहमान आएंगे, फिर पार्टी होगी छोटी सी, आपको पता ही है फिर पार्टी हमारी कैसी होती है। तो अभी भाई एक ये पहला वीडियो बनाया सुबह से, आज टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सुबह से बिजी था। अभी बैठा हूँ पीसी में भाई, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। मैं कहा यार एक वीडियो तो डालना ही चाहिए, तो मैं कहा कम से कम एक वीडियो चले। तो ये भाई हमारा कल्टीवेटिंग भी कर रहा है, ठीक है भाई। ये देखो पीछे कल्टीवेटिंग हो रही है, सबसे पीछे कल्टीवेटिंग, उसके बाद फिर सीडिंग और फर्टिलाइज़र साथ साथ चल रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा अभी फर्टिलाइज़र बचा है 92% और सीड बचे हैं 88%। तो लो भाई इसने कर दी, घुमा घुमा घुमा। अच्छा खेत ऊंचा नीचा है वहाँ से थोड़ा सा, वो देखो खेत ऊंचा नीचा है वहाँ से थोड़ा सीधे हाथ से। कहाँ गया रे, अच्छा बैक। फ्लोइंग बहुत स्लो हो रही है भाई, सात की स्पीड पे हो रही है। ये भी सात पे कर रहा है और ये कर रहा है, इसकी स्पीड है भाई 14। तो ये जल्दी कर रहा है ना, तो क्योंकि इसमें तो फ्लोइंग में क्या होता है कि ज़मीन को उखाड़ने में टाइम लगता है। तो पैसे भी हमारे पास बहुत हैं। अच्छा कल मैंने आपको लैंड ख़रीदना कैसे है, लैंड मैंने वो नहीं बताया था। तो जैसे आपको कोई भी लैंड ख़रीदनी है, अब ये है तो हम सोचते हैं कि भाई ये छोटा सा लेके, ये नौ नंबर देखते पहले कितना है। आप यहाँ कॉन्टैक्ट में जाइए, यहाँ पर आएगा फील्ड 14। कौन कौन से फील्ड हैं भाई, ये फील्ड 5 है भाई, देखो 25 एकड़, ये है 3 एकड़, 15, 11, ये है भाई 22 एकड़ का। तो ये 22 एकड़ है, तो ये दोनों मतलब कि 10-10 एकड़ होंगे, 9 और 10। तो इसके अंदर फील्ड आपको घर इसमें बनाना है, इसमें आप पहले एक जगह डिसाइड कर लो लैंड ऐसे करके। अब हमारे पास ये दो चीज़ें, अभी आप ये है इतनी लैंड है इसके पास, और इस 10 नंबर के पास इतनी है, और इस 11 नंबर के पास ये पूरी लैंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके पास ये भाई पूरी 7। तो इस 7 को जैसे आपको ख़रीदना है तो आप इसके ऊपर जाएंगे स्पेस, ये मैप ओवरव्यू है, ये लैंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको ख़रीदनी है, उसके ऊपर स्पेस दबा के बाई कर लेंगे। फिर आपको बताएगा कि ये कितने की है भाई, ये है $6.5 लाख की। यस ओके, तो ये हमारी हो गई 7 नंबर। तो भाई एक मिनट इस गाड़ी में जाते हैं, देखते हैं 7 नंबर पे क्या है। 7 नंबर हमारे पड़ोस में है, वो है आगे, यार दूर है काफ़ी। तो चलो फिर अपना ट्रक लेके चलते हैं। ये लिया भाई एक ट्रक कल नया, और ये पीछे लगाया ये इसके ट्रेलर बहुत बढ़िया सा, ये है लिजार्ड हल्क। चलो जब तक वो वर्कर काम कर रहे हैं, अपने खेत को नज़र मार के आते हैं उसमें क्या लगा हुआ है। पहले उसको कटाई करके, उसकी लैंडस्केपिंग करके, फिर भाई कुछ करना पड़ेगा। ये देखो ये है ऊंचा नीचा, और इस पर भी कौन लगा हुआ है, इसके कौन लगा हुआ है। तो मैं इसको काट देता हूँ जब तक इधर काम हो रहा है, तो उधर जाते हैं और ये दिखाएगा। देखो रेडी टू हार्वेस्ट और ऑन बाय यू। तो भाई चलो फिर अपना ले आएंगे इसको।
लैंड को देख लेंगे, इस कोने से सीधा है और इस कोने से सीधा है, इधर थोड़ा टेढ़ा है, तो इस कोने से लगाएंगे इसको, इसको कर देंगे अनफोल्ड। ठीक है भाई, इसको करके और जी सिलेक्शन करके इसको भी कर देंगे अनफोल्ड, और इसको थोड़ा बैक कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक हेल्पर, तो ये काट देगा फटाफट। तो ट्रक इसमें भी जाएंगे, ये भी अपना कॉर्न का ही है, ये है जॉन डीरे S790 मॉडल, वो 12 मीटर का है, ये है 9 मीटर का। इसको भी कर देंगे भाई अनफोल्ड फटाफट से, इसको लगाएंगे दूसरे कोने के अंदर, ये हमारा काम हो ही रहा है। इस खेत को लैंड पहले, यार ये फसल बर्बाद नहीं करेंगे, इसको काट के और इसमें कल बनाऊंगा अपना घर, तो इसमें लगाएंगे फिर अपना जो जो सामान चाहिए, शेड वगैरह, अपना मकान, साइलो और गायें काऊ वगैरह खरीदेंगे, और इसको लगा दूंगा भाई इसको नहीं देंगे। ठीक है भाई, अब वो पीछे लड़ाई होगी उनकी, वापस में फंस गए, तो यहाँ पे लगाता हूँ हेल्पर, कौन फंस गया, इसको कर दूंगा अभी डिसमिस। ठीक है, इसका भी यहीं रहने दूंगा, इसका भी रोक देता हूँ क्योंकि भाई ये नहीं तो फिर ये अटक जाएगा। यहाँ से आगे से करेंगे फिर अभी स्टार्ट, क्योंकि ये अभी लगा हुआ भाई अपना, और दूसरा अगला काम गया, अरे एक और था ना, ये थोड़ा रहता है अभी। एक बार ये मार लेगा तो इसको लगा देंगे। लो भाई, इसका तो हो गया 24% और इसका भी हो गया 9%। ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट कट जाएगा, तो इसके बाद फिर अपना ट्रक लेके चलेंगे उसके पास। ये इसका ढक्कन भी है आराम से। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये आप देख सकते हो कि ये क्या क्या उठाता है, ठीक है, और वो दूसरा वाला ट्रक है वो सारा माल उठाएगा, यानी कि स्टोर से आपका कोई सामान लेके आना है, फर्टिलाइज़र वगैरह और ये, पर ये नहीं उठाता, वो सब उठा लेता है। तो एक मैंने ट्रक ये लिया है, वो सारा सामान उठाएगा, कॉर्न वगैरह सब कुछ, लेकिन ये नहीं उठाएगा, ये कुछ कुछ चीज़ें उठाता है जो गिनी चुनी है। इसको भी बंद कर लेंगे जब तक ये चल रहे हैं, देखते हैं अभी कितना कितना हो रहा है। इसको क्या हो गया, अरे यहाँ पे तो फ्लो नहीं किया, गाड़ी वाले रुक गए। तो ये घुमाएगा इसको, और दूसरा भी लगा हुआ हमारा, चलो भाई ये हो गया है, इसको कर देंगे एक बार सीधा फटाफट, क्योंकि इतना फ्लो तो हो ही गया है। इन जो बड़े बड़े हैं ना सामान, जैसे सीडर बड़ा है तो इसके पहिए भी थोड़े पीछे डबल वाले लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ट्रक ज़रा सपोर्ट मिल जाती है और हैवी काम हो जाता है बढ़िया। चल 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 चल, उससे थोड़ा रुक गया था, चलो यहाँ पे प्लोइंग नहीं करी, चलो यही कर दे, कल्टीवेट कर देगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। चल अब ये घूमेगा, इसको कर देंगे डिसमिस, ताकि अगली लाइन लेके आएगा तब तक ये अपना, जब हेल्पर काम करता है तो निशान नहीं आते, और जब हम खुद काम करते हैं तो इसके पहिए के निशान आ जाते हैं, ये क्या चक्कर है भाई। वो आया हमारा दूसरा कल्टीवेटर, इसको भी नज़र रखनी है भाई, 56% हो गया, और ये कितना हो गया भाई, ये 39% हुआ। चल भाई चल, करते फटाफट,
भाई इसी पे करेंगे अपना, इसी पे बनाएंगे अपना घर, और आसपास के दो चार खेत ले लेंगे बड़े बड़े से, उन पे लगा देंगे अपने वर्कर। बस फिर सिर्फ हमें अनाज इकट्ठा करना है और गायें को देखना है, अपने पशुओं को पालेंगे और भेड़ भी ले लेंगे, भेड़ों से भी अच्छी ये कैदर जा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये उसके पीछे जा रहा है अब, लेकिन ये गलत हो रहा है, प्लॉइंग नहीं हो रही अभी, इसको रोकना पड़ेगा। अभी प्लॉइंग में टाइम लगेगा भाई, क्योंकि गन्ना धाना अगर, तो अब हम सोयाबीन लगाएंगे, अगली बार जब हम सोयाबीन काट लेंगे तो भाई उसके बाद हमें ये प्लॉइंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मशीन लगाओ फटाफट सीडिंग की और फटाफट से कल्टीवेटिंग सीडिंग और फर्टिलाइज़र कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। कितना हो गया कितना हो गया, ये 1 लाइम स्टेशन हमारे पास ही है, बायोगैस प्लांट, तो लाइम यहाँ से ले सकते हैं अपना आराम से, सॉलिड वाली, पता नहीं लिक्विड मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ से, सॉलिड तो मिलेगी मिलेगी। तो हमारे 1, 2, 3, 4 हेल्पर लगे हैं, ये पांचवा रुक गया है, मैं यहाँ पे हूँ इस मशीन के ऊपर। नो, ये रीसेट दिखाता है, उसके ऊपर क्लिक करो तो ये दिखाता है मशीन कौन सी है, फिर उसको बोलता है रीसेट करना है। अब रीसेट करने से क्या होगा, क्योंकि आप देख रही हैं ये देखो, ये देख रहे हैं आप, ये डंडी डंडी सी ये बच जाती हैं जब आप कोई ऐसी फसल लगाते हो कि जो जैसे गहरी है या सख्त थी, बोल जैसे मकई होती है उसके डंडे जरा मोटे होते हैं, तो आलू वो भी गहरा होता है तो उसको भी भाई उखाड़ना पड़ता है जमीन को नीचे से। तो ये है, ये कॉर्न के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन उस पर नहीं करेंगे भाई हम, सिर्फ कॉर्न काट लेंगे, उसकी लैंडस्केपिंग कर देंगे, उसके ऊपर अपनी ज़मीन बना देंगे, अपना मकान तैयार कर देंगे। इसका भाई 89% हो गया और इसका हो गया 60। चलो अभी ये रुक जाएगा, फिर इसके बाद ट्रक लेके चलते हैं अपना, यही लगता जल्दी भरेगा पहले। अभी हेडर नहीं लिया मैंने, कोई हेडर लेना पड़ेगा बड़ा, जो कि गेहूं वगैरह और बार्ली कनोला सोयाबीन को काट सके, तो वो लूँगा फिर अगली बार। आज यार वो मज़ा आ गया जब वो ट्रेन आई थी और मेरा प्लोअर फंस गया था, ट्रेन ने उड़ा दिया। लो भाई उसका टैंक हो गया फुल, इसके पास चलेंगे और ये हम भर लेंगे इसके अंदर। इसकी कैपेसिटी अभी 60,000, इसमें 2 केस हैं, एक आगे एक पीछे, तो आप आगे अलग से भर सकते हैं कुछ कॉर्न, पीछे कुछ और भर सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें 2 हों, पीछे बार्ली कनोला सूरजमुखी, लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ कॉर्न नहीं है, तो हम कॉर्न नहीं भरेंगे दोनों में। तो ये हमारा 31% हो गया। चल भाई चल चल चल, जब तक क्या करते हैं दूसरे वाले ट्रक को, दूसरा ट्रक कहाँ गया, इसको ला, अरे यार इसी को ले चलते, अरे यार चल 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 चल, इसको ढक्कन को कर लेंगे बंद, क्योंकि नहीं भाई कौए चिड़िया वगैरह आती हैं वो खा जाएंगे हमारा अनाज। उसका भी टैंक लगता फुल होने वाला, अभी मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ, जब तक नज़र डालते हैं भाई इसने कितना कर दिया काम, इसने इतना कर दिया, और ये उसके रास्ते में आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे।
नहीं तो वो फिर फटेगा भाई। ये हो गया 98%। ये तो कट गया फटाफट, ये छोटा सा ही है। लो भाई इसका भी हो गया काम। इसकी कैपेसिटी 14,000 है, उसकी 17,000 है दूसरे हार्वेस्टर की। वो हार्वेस्टर हमारे पास पुराना था हॉलैंड का, मैंने वो भी बेच दिया था क्योंकि भाई उसको बड़े बड़े बेकार हो रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और अभी हेडर भी मैंने बेच दिया क्योंकि वो हेडर 3 मीटर का था, अभी हेडर बड़ा लेंगे 8-9 मीटर का या 12 मीटर का। तो अभी हमारा एक टैंक फुल होने वाला है, 94% हो गया, 97-98, तो ये 100% हो गया, एक फुल हो गया, दूसरा भी होगा। चल भाई चल, डाल दे डाल दे डाल दे। खेत टेढ़ा है ना, खेत सीधा नहीं है। अरे अरे अरे, बाहर गिर गया, बाहर गिर गया। बाहर गिर रहा है भाई, बाहर गिर रहा है सारा सामान तेरा। चल ये हो गया अभी खाली, उसके पास चलते हैं, अभी वो भरेगा फटाफट। बस ये हो गया खेत छोटा सा ही है। इसको देखते इसने कितना कर दिया, तूने कितना कर दिया भाई। ये भाई बहुत बड़ा खेत है, छोटा मोटा नहीं है। पीछे गाड़ी वाला चीख रहा, गाड़ी वाला कह रहा है हटाओ यार क्या कर रहे हो भाई। ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कैसे इतने बड़े बड़े प्लो जो करते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये हेल्पर तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम सही करते हैं, थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा कि एक सीधा, बाकी तो पता है प्लो टर्न करना है ऐसे, बाकी सीधा चलता नहीं ना। कभी कभी देखा ना आपने अभी ट्रेन के साथ क्या हुआ था, ट्रेन वाले ने तो भाई उड़ा दिया था। चल भाई फिर कर ले आऊँ पीछे थोड़ा सा, ये कहाँ से कर रहा था, यहीं से लगा हुआ है। यहीं से यार जारी घूम जाता ही है। अरे सॉरी 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 भाई सॉरी। तो भाई हो गया, सोयाबीन हमारी डल गई है इस पर। तो चलेंगे एक बार स्टोर के अंदर और क्रॉप प्रोटेक्शन देखेंगे, ये इस पर करेंगे दो बार क्लिक। ये है, ये छोटी है मशीन है, और देखेंगे इसमें जाएंगे और
ये क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये बड़ा वाला, ये है $5 लाख का। तो ये लिक्विड भी डाल देगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र और लिक्विड हर्बिसाइड, ठीक है भाई। तो ये दोनों चीज़ करेगा, तो इसको करेंगे, इसकी डिटेल इसको करेंगे बाई एक को, यस ओके। तो भाई इसके लिए हर्बिसाइड भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हर्बिसाइड पहले ही मार दूंगा मैं, सीडिंग हो गई है। तो ये पैलेट में जाएंगे, हर्बिसाइड का ये बॉक्स है 2000 लीटर का। अब एक सेकेंड, हम ये गैरेज लीज आइटम ओन आइटम, इसकी कैपेसिटी देख लेंगे भाई कितनी है। इसकी कैपेसिटी है 9000 की, तो 9000 के हिसाब से हम देखें तो भाई ये है एक 2000 का, तो 4 खरीद लेते हैं ये, ठीक है। हर्बिसाइड का ये निशान देख रहे हो आप, ये बना है हर्बिसाइड टैंक लिखा हुआ, हर्बिसाइड एक ओके, दो ओके, तीन ओके, चार। तो लो भाई, एक सेकेंड उसको रोक दो भाई, ये अभी इधर हो ही नहीं क्योंकि अभी जगह नहीं है। इसको अभी मैं कर दूंगा डिसमिस, क्योंकि ये नहीं तो फिर उसके साथ फंसेगा। तो इसको देखते हैं कितना हो गया, ये लगता हो गया 100% भाई। उसको अभी लेके आऊँगा बाद में, थोड़ी सीडिंग और हो जाए तो। भाई ये लंबा है, थोड़ा काटने में टाइम लगता है, थोड़ा दूर से ले जाना पड़ेगा ना इसको। चल भाई चल, भरते 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 69% हो गया भाई, 71, 72, 3। दो ट्रक हैं हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, बड़े बड़े ट्रक हैं, दोनों की कैपेसिटी बहुत है। ठीक है, इसको कर लेंगे कवर और इसको कर देंगे साइड में भाई एक बार, इसको देख लेंगे 60% हो गया। इसकी ये प्लोइंग भी करनी पड़ेगी ये, क्योंकि ये देखो ना जगह थोड़ी है, इसके इसके पास ये है एलिवेटर, यहाँ पे सामान दिखता है, इसमें तो कर दी काफ़ी, थोड़ी बहुत रह गई, बाद में देखते हैं। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मकई वगैरह लगानी है फिर उसमें ये प्लॉइंग की दिक्कत है, दूसरी फसल लगाओ, रेट देखो कितना है। अरे कहाँ गया रे रेट, ये देखो मकई आपकी बिकती है इतनी 784, सोयाबीन बिकती है महंगी सबसे 1774 डॉलर, और इसका 784। तो ये है भाई कनोला, ये है सॉरी, हाँ ये 1200, ये रुई है, नहीं रुई नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये वीट बेरली, ये है कनोला, ये बेरली है बारले, और ये है भाई सनफ्लावर सोयाबीन कॉर्न, ठीक है। तो ये निशानों से देख लेंगे, तो सोयाबीन लगाऊंगा मैं तो भाई अभी, और चलो इसको जब तक फिल कर लेते हैं, हार दबा देंगे भाई, हार से फिल हो गया, देखो नीचे फिल होने लगा। वो अब हमारे पास ये मशीन आ गई, तो वो जो पड़े हैं ना बॉक्स साइड में राइट साइड में, वो है भाई फर्टिलाइज़र लिक्विड, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास पड़े हैं 4 और 2 6,
तो हमारे पास छः पड़े हैं, तो इसमें आ जाएंगे चार बॉक्स एक बार में आ जाएंगे। पहले आके फर्टिलाइजिंग कर देंगे सबकी, अपने खेतों की, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ले सकते हैं बड़े बड़े। चलो भाई इसमें इतना ही आ रहा है अभी, चलो भाई ट्रेन तो ना, ट्रेन यार एकदम ही आ जाती है भाई, फाटक एक सेकेंड में ही बंद हो जाता है, उसी टाइम ट्रेन आ जाती है। फाटक के ऊपर कोई बैठा पता नहीं लगता फाटक कब बंद हो जाता है। जब तक वर्कर काम कर रहे हैं इसको भी ले चलते हैं वहां पे। अभी तो सारा सामान रोड पे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर शेड वगैरह नहीं लगेंगे भाई ये कहां जाएंगे। लो भाई इसका टैंक फुल हो गया, एक सेकंड, इसका नहीं दूसरे वाले का, इसका, अरे यार, अरे यार एक सेकंड, चल भाई चल 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 चल, अभी इसमें 84% है। कहाँ है रे, कहाँ है, गोरा गोरा गोरा। चलो फिर शॉर्टकट मार भाई, क्रॉप प्रोटेक्शन मैंने बंद कर रखी है तो वो डिस हमारा ख़राब नहीं होगा, तो आप खेत के अंदर भी आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ला भाई डाल दे, जब तक ये डाल रहा है, क्योंकि वो टैंक अभी वो फुल होने वाला है। अरे यार ये ट्रक सब कुछ उठा सकता है, स्ट्रॉ भी उठाएगा, बेल, किसी भी कोई भी बेल हो, और सामान, फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, सीड सब उठा के ले आ सकता है, और यहाँ पे लाके अनलोड कर देगा आपको। आप फिर अपनी गाड़ी में भरो, आई मीन सीडर में भरो, जिसमें भी आपको लगाना है, और लगा के आप अपना काम कर सकते हो। इसका 45%, इसका भाई 100% हो गया। चलो फिर इसको ले चलते हैं, एक बार इसको बेच आएंगे। भाई ट्रैक्टर हैवी हो गया, चल नहीं रहा, फटाफट इसको बेच दूंगा, वहीं पे बेचना है सामने ही। वो हमारा सीडर बेचारा खड़ा है। यार ये हुमस कब जाएगी भाई, हुमस बहुत है दिल्ली में भाई। अब ये मुझे पता नहीं है कि बाकी और शहरों में क्या हाल है, लेकिन यहाँ तो बहुत हुमस है। चल भाई चढ़ जा, देख कहाँ चला गया भाई, वापस आ गया। बस 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 बस, ये चढ़ क्यों नहीं रहा भाई, बहुत हैवी हो गया ये, चढ़ नहीं रहा, देखो हालत खराब हो रही है उसकी। अरे ये तो आगे से उछल रहा है। बस भाई अब दबाएंगे UI, तो इसके लिए यू दबाना पड़ता है, कई बार नहीं आता, यू और आई, यानी कि आपको कवर ओपन करना पड़ता है नीचे वाला, यू से और फिर आई दबाना पड़ता है, फिर ये कर देता है अपना। अब एक की चली गई है अगले वाले की और दूसरे की नहीं गई, तो यू दबा के आई दबा देंगे। अरे पीछे करने, ठीक है, एक की चली गई दूसरे की नहीं गई, तो आई दबाएंगे, यू दबाएंगे पहले, तो ऑप्शन आएगी अनलोडिंग की, फिर आई दबाएंगे। कई ट्रक में तो आई आ जाता है ऑटोमेटिक, आपने गए और आई दबा दिया, इसमें नहीं आएगा, इसमें आपको पहले दबाना पड़ेगा। तो ये भाई पूरा 100% खाली हो गया, तो इसे वापस ले चलेंगे एक बार। भाई ये बहुत लंबा है जरा, थोड़ा दूर से काटना पड़ेगा।
नहीं तो नीचे चला जाएगा। चल भाई कट गया। तो इसे ले चलेंगे वापस अपने खेत पे भाई। यहाँ पर दो भाई खेत तो हो गया, दूसरा टक्का हो गया। चल चल चल, इसका टैंक फुल हो गया भाई। इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी है, 40-45 हज़ार है उसकी, 60 हज़ार है, तो 1 लाख कैपेसिटी होगी भाई, बहुत है। और ख़रीद लेंगे जरूरत पड़ती है तो। अभी प्लोइंग भी हमारी चल रही है, बस ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी रहती है। चल भाई ये हो गया फिनिश, बस इतनी सी बची है, ख़त्म हो गया ये भाई, फिनिश हो गया, फिनिश बस भाई, खेत बचा है। चल भाई डाल दिया, कितनी और डालेगा। लो इसमें तो डाल दी, इसका कवर नहीं है यार, ये ऐसी है, ओपन है। इसका भी 95% हो गया, इसको भी एक बार भर लेंगे। चल ये तो फटाफट ही कट गया, ये जल्दी कट गया भाई, 15-20 मिनट में ही कट गया भाई। दो लगे हुए हैं, एक 12 मीटर का, एक 9 मीटर का हेडर लगा हुआ है, दो हार्वेस्टर लगे हैं बड़े बड़े। लो भाई उसने पाइप निकाल दिया बाहर, चलो फिर लगा दो उसके नीचे। ला भाई दे दे, बस 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 भाई साइलो खरीद लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर ही सारा माल स्टोर कर देंगे, फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी जो जो सामान बेचना है उसको भर भर के ले जाएंगे और बेच देंगे अपना आराम से। तो अब बार बार बेचने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो पहले अपना काम कर लिया उसके बाद भाई बेच दिया सारा सामान। तो ये हो गया 60%, 61%। चल भाई भर के लो भाई, इसका भी हो गया, उसका भी हो जाएगा, बस एक वो आ रहा है वहाँ से वापस। चलो इसको कर देंगे डिसमिस, अरे भाई डिसमिस तो कर दिया भाई, उसको डिसमिस कर दिया, अब खुद ही काटना पड़ेगा क्योंकि फिर ये दोनों नहीं तो आपस में टकरा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये अरे 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 देखा तो इसने अपना काम कर दिया, उसका काम अब हो जाएगा तो ये दोनों फिनिश हो गए। टकरा ही गया, मैं सोचा था टकराएगा नहीं, दोनों आपस में भिड़ गए। तो ये हो गया भाई खत्म, चलो भाई इसको कर देंगे अपना, दबाएंगे भाई जी से सिलेक्शन करके और इसको कर देंगे फोल्ड, क्योंकि अब इसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और पाइप निकालेंगे बाहर, इसके अंदर जितना माल है भाई हम सारे इकट्ठा कर लेंगे अपना। लो चल भाई पाइप को कर दे बंद,
उसका भी काम हो गया लगता, वो कैसे खड़ा हो गया। काट रहा धीरे धीरे काट रहा। काट दे फटाफट। चल भाई उसके पास चल फटाफट, उसका माल भी इकट्ठा कर लेता हूँ, एक बार इसको भेज देता हूँ सारे का, बस फिनिश हो गया फिर ये। और फिर सीडर को लगाता हूँ काम पे, प्लोइंग का काम तो हो गया लगता है। ये कहाँ आ रहा है, अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा भाई, अपने आप ही कुछ रह गया क्या, ये हेल्पर किधर जा रहा है, वो ये पीछे जा रहा है यार, छोड़ो इसको डिसमिस करो, इसको डिसमिस करो भाई इसको, वो अटक गए थे ना दोनों, शायद वो वहाँ जा रहा है खोलने, आई मीन वो ठीक करने, वो भी उसका काम भी। चल 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 चल, कहाँ गया तेरा पाइप, भर दे भाई भर दे फटाफट इसमें, चल इसका पाइप लंबा पीछे, मतलब उसका तो मुड़ जाता है ना, इसका पाइप मुड़ता नहीं है, इसका पाइप ऐसे ही रहता है लंबा, उसका पाइप मैंने बंद नहीं करा यार, एक मिनट उसका पाइप नहीं बंद करा, अच्छा फोल्ड नहीं किया भाई मैंने उसको, फोल्ड करना जरूरी ना, अरे यार सॉरी, हार्वेस्टर को फोल्ड करना था, ये हो गया है फोल्ड, भाई वो सब फंस गए हैं, इसको भी कर दूं यार एक बार फोल्ड, लो इसको लगाता हूँ काम पे, ये क्या कह रहा है, ये इधर से ले नहीं रहा भाई, इसको बाहर निकाल, अरे यार ये क्या हो गया, ये दोनों उड़ गए, अरे भाई वी से उठा ले इसको और इसको कर दे फोल्ड, अरे भाई क्या कर दिया इसने, टर्न प्लो, चल भाई तो इसको बाहर, अरे 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 यार ये सीधा कैसे होता है, सीधा किस कौन से बटन से होगा भाई, ये एक्स से फोल्ड, इसको उधर को फोल्ड करना है, फोल्ड अब वो ये सीधा, अब वो ये सीधा फोल्ड करके, चल भाई इसको बाहर निकाल देता हूँ, वो अपना काम कर लेगा, चल भाई तू कर दे अपना काम फटाफट, वो काम यार ये इसको निकालना था बाहर,
यार। और यार तो डिप्लॉइंग हुई नहीं उस कोने पे। तो भाई उस कोने से लगाना पड़ेगा काम पे। चल भाई चल, तो रुक गया, जहाँ से किनारा शुरू हुआ है वहीं से लगा दो, नहीं तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगी। अरे इधर प्लॉइंग कौन करेगा भाई, क्यों छोड़ दी इधर? अभी देखता हूँ भाई कहाँ कहाँ पर इन्होंने प्लॉइंग नहीं करी, वहाँ तो करनी पड़ेगी खुद ही। चल बेटा चल फटाफट, इसको तो लगा दूँ काम पे ताकि भाई ये तो करे अपना। ट्रेन जा रही भाई सामने से, बहुत बढ़िया। देखो ये ट्रेन ऐसी घूमती रहती है, कोई काम ना वास्ता है इसको। चल मुन्ना चल चल चल, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पलट गई ये तो। अभी पलटने वाला था भाई ये, चल भाई चला जा, तो करो अनफोल्ड। अरे चल भाई चल, नीचे कर दो और शुरू करो भाई यहाँ पे काम अपना। अब भाई ये क्या करने लगा उल्लू का बट्ठा, अब नज़र नहीं आ रहा इसको, हद ही कर दी यार इसने तो। हद ही कर दी भाई इस हेल्पर ने तो, ये देखो किधर को जाने लगा। यहाँ से कर लेती भाई, ऐसे कर भाई अनफोल्ड इसको, कर 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 फोल्ड। वी और बी से करेंगे, बी बी कहाँ गया यार, बी फॉर बॉम्बे। तीन दबा देंगे भाई, क्रूज बोर्ड सीधी सीधी हो जाएगी। ठीक है भाई यहाँ पे लगा दी हेल्पर, दूसरा कहाँ गया रे अपना लोअर, इसने कितनी कर दी। ये क्या कर दिया इसने, पीछे पीछे छोड़ दिया अभी।
क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? भाई बहुत स्लो हो रही है, ट्रैक्टर और तगड़ा लेना पड़ेगा, ये खींच नहीं पा रहा। अरे छोड़ यार, हेल्प कर, खुद ही कर लो। वो सीटिंग कर रहा है, ठीक है सीटिंग हो रही है भाई, फटाफट सीटिंग तो फटाफट हो जाएगी। वीडियो भी भाई बड़ा ही हो गया यार आज तो। भाई बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ काम करना है तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई वो कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, लेफ्ट में राइट में उनको फोल्ड कैसे होते हैं वो। बाकी तो ठीक है, वी से लो होगा, बी से ऑन होगा, बाकी वो फोल्ड कैसे होगा, टर्न कैसे होगा, कितना कहाँ पे कितना स्पेस लेगा, वो देखना पड़ेगा। ये कहाँ जा रहा है सर, वहाँ पर जगह नहीं ना भाई, वो घूम के करेगा उस जगह पे, ऐसे बाद में खुद करनी पड़ेगी। इधर तो ये कर देगा, वो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, तो खुद करनी पड़ेगी। बस भाई इसको उठा लेंगे ऊपर, छोड़ दी इसने, ये कोना छोड़ दिया भाई ने। एक खेत भी टेढ़ा है थोड़ा सा, नीचे को है। भाई मिट्टी भर गई है, ट्रैक्टर इनको साफ करना पड़ेगा। चल चल भाई, वहाँ पे लगा दी हेल्पर। एक और फ्लो था, ये कहाँ गया? अरे कहाँ फंस गया,
चल भाई चल करते फटाफट भाई, बहुत टाइम लग गया प्लोइंग में। हमारे हेडर बेचारे सड़क पे ही खड़े हैं, ये क्या कर रहा था यार, उठा उठा के चल रहा था थोड़ी थोड़ी। वो पीछे आ गया, जल्दी कर, रुक जा भाई रुक जा, धीरे चल जरा। अबे यार ये भी रुक गया, चल 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 तू तो चल। थोड़ी सी रह गई थोड़ी सी रह गई, दूसरा वाला काम कर रहा है ना। अबे रुक जा भाई दो मिनट, अरे डट ले छोरे के कर रहा भाई, रुक जा दो मिनट रुक जा, बस हम ये करके जा रहे हैं फिर। यहाँ उसको भी जल्दी हो रही है कि मुझे काम करके फटाफट जाना है घर। अब ये यार थोड़ी सी रह गई है, दो तीन दाग से इनको हटा दो ज़रा, बस होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। चल भाई चल जल्दी कर, लो भाई हो गया काम फिनिश, लो भाई इसको कर देंगे फोल्ड। ले भाई ले कर ले काम, ले कर ले तू कर ले पहले, हम बाद में कर लेंगे। उसने पता नहीं कितनी कर दी, उसको भी देखना पड़ेगा। चल भाई खोल दे, भाई वो सीधा करने पड़ेगा उसको। सीधा ही ना हो रहा है, किधर भाग रहा है। चलो भाग ले जिधर भाग ले, बस मुड़ जा भाई मुड़ जा, सीधा होगा अब, होगा अब नहीं होगा, जा भी आ गया। ये क्या हो रहा है भाई, फोल्ड लिफ्ट वैसे टेढ़ा हो गया ये, इसको सीधा करना पड़ेगा। एक मिनट, जब तक ये अपनी पोजीशन पे सही नहीं आएगा तब तक ये चलेगा नहीं, यानी इसको बिल्कुल सीधा करके लाना पड़ेगा पीछे से। पहले उस पॉइंट के ऊपर लाओ,
इस निशान के ऊपर भाई यहाँ, ठीक है। अब इसको करो एक्स से अनफोल्ड, और करो वी से नीचे, अब करेगा ये काम। वो तो सामने से आ गया, वो सामने से आ रहा है भाई, हम इधर से करेंगे फिर और क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हम सीधे जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी भाई बहुत तेज। चल भाई चल, आ रहा है आ रहा है, वो आ गया आ गया आ गया। मैं कौन ब्लॉक हो गया अब, ये दिक्कत होती है रोड पे, गाड़ियाँ वाड़ी आ जाती हैं। अब क्या हो गया ब्लॉक, अब कुछ चीज़ से ब्लॉक हो गया। अरे वो दोनों फंस गए भाई, कर तो दी भाई दोनों ने, चलो कर दी इसने तो। अबे 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 बीच में भी छोड़ दी इसने, भाई प्लोइंग ना हुई शुरू से, जब से मैप लगाया तब से अब तक प्लोइंग नहीं हुई, देख लो दो दो प्लोअर लगा रखे हैं, दो दो बंदे लगा रखे हैं हेल्पर, फिर भी काम नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही स्लो हो रही है, बिल्कुल घनी स्लो हो रही है भाई एकदम। चल भाई हेल्पर लगा देता हूँ अगले, अरे इसको भी ले आऊँ यार, ये बेचारा बार बार दुखी हो रहा, ये वहीं खड़ा हुआ। चल भाई चल, चल भाई तू चल, अब तू अपना काम दिखा भाई, पहले सीटिंग नहीं हुई पूरी, सीटिंग पूरी होगी तो इसको लगाऊंगा मैं, अभी तो इसको मैं यहीं खड़ा कर देता हूँ, अभी यहीं खड़ा हो जाए बेटा तो बस, ये कर रहा है दूसरा, दूसरा कहाँ गया, वो आ रहा है उधर से और ये जा रहा है इधर से, इसको देखते हैं किधर जाएगा ये, वो तो अपनी लाइन ख़त्म कर देगा बस, उसका काम फिनिश हो जाएगा। अरे बंद कर दो भाई, क्यों थोड़े मारने शुरू कर दिए तुमने अब, ये देखो ये फंस जाता है, देख रहे हो ना ये लंबा है काफ़ी,
अब ये आगे जाएगा और फिर ये पीछे आएगा। अब ये कहाँ चल पड़ा? अच्छा ये दरअसल बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी सेटिंग करनी पड़ती है भाई। ये बिल्कुल प्रॉपर जगह पे फिट होना चाहिए। देखो ये, हाँ अब ये नीचे करके पीछे गाड़ी वाले चिल्लाने लगा। चलो ये कर देगा और वो कर देगा जब, तो भाई उसको लगाएंगे उस कोने में, तो ये इधर से काटेगा वो उधर से करेगा और ये काम अपना हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ गया ये? इसमें भाई अपना माल अभी पड़ा इतना। अच्छा यार एक ट्रक भी तो पड़ा था, हाँ इसमें गेहूँ सॉरी इसमें भाई अपना मकई पड़ी है, इसको फटाफट बेच के आता हूँ। इस ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी शायद, क्योंकि माल उठा के लाना पड़ेगा स्टोर से जो पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, जब यहीं पर ला के अनलोड कर दूँगा तो वहाँ पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। सीट वगैरह यहीं से भर सकते हैं ना फिर हम। चलो भाई चलो 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 गाड़ी वालों, अभी आया अभी अभी आया। ठीक है ना, इसके ऊपर अपने आप आई का निशान आ गया ना, पर उस ट्रक के अंदर आपको यू दबाना पड़ेगा, यू आई, तो यू से ऑप्शन आएगी, वो नीचे का ढक्कन खुलता है फिर, तो उससे ये अपना काम होगा। तो लो भाई हमें मिले $32,000 इस हार्वेस्टिंग के। फंस जाएगा भाई फंस जाएगा, थोड़ा सा लंबा काटना पड़ेगा। चलो भाई ट्रकों का काम तो ख़त्म हो गया है फिलहाल तो। चल भाई एक और प्लॉट आ गया, भाई सीधा हो जा भाई, बंद क्यों ना आ रहा, टर्न करना पड़ेगा क्या पहले? इसको पहले कर लेंगे बंद, सीधा कर लेंगे आई मीन, ताकि हमें फटाफट ले जाने में आसानी हो, और उसके बाद भाई इस कोने में ले जाएंगे। यहाँ पे और इसको करेंगे ऑन एक्स, वी से दबाएंगे और तीन दबा देंगे बस। चल यार हेल्पर लगाया, ये हेल्पर किधर जा रहा है? वो हेल्पर सीधा सीधा चलेगा, दरअसल हम तो जिधर मर्जी चल सकते हैं पर हेल्पर अपने हिसाब से चलता है। हेल्पर जी कहाँ गया? इसने अपना काम फिनिश कर दिया और ये छोड़ क्यों दिया मामा, ये छोड़ क्यों दिया?
ये काम छोड़ देते हैं अधूरा यार, थोड़ा बहुत रह ही जाता। अपना स्वीटर भी आ गया, उसका काम भी हो गया। चल हाँ भाई, पानी बंद करना, प्रेस कर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ तू कर ला, कर ला, कर ला। चल भाई हो जा सीधा। ये एक बार ऐसे खोल लो, था ये सीधा। चल भाई चल चल चल, चल। तो बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। चलो भाई कितना काम बचा अभी तो। चलो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया यार आज, थोड़ा सा सॉरी भाई, लेकिन अब ये करना ज़रूरी था। ओह भाई बहुत गर्मी है रे। यार इसमें ये यार बोलो मत, धीरे धीरे बोलो, बोलना उधर जाके। यार इसने भाई बीच में लाइन सी छोड़ दी यार, ये क्या कर दिया। अरे हेल्पर लगा के बहुत मुसीबत है यार, खुद ही काम करना पड़ता है भाई। फील्ड ऑफ व्यू और छोटा करना पड़ेगा, ये 60% कम है, और थोड़ा और बड़ा देखने के लिए। अब ये देखो हमारे ट्रक नज़र नहीं आ रहे उधर से, स्केलिंग कम है। अगर छोटा प्लो होता भाई 3 मीटर का, फिर तो ये इसमें एक दिन पूरा लग जाता। बस रात होने वाली है भाई, 6:17 हो गए हैं। चल भाई चल ले, ले, ले। दोनों लगे हैं भाई फटाफट से, बस थोड़ा सा ही बचा भाई। भाई ये प्लो ख़त्म होते ही फिर वीडियो फिनिश कर दूंगा, फिर कल बनाऊंगा भाई। आज तो मैं बस इसके बाद और कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज अभी मेहमान आने वाले हैं भाई मेरे घर में, पार्टी आने वाली जन्मदिन की। तो फिर करेंगे कल काम, अभी अभी भाई 4:30 हो गए हैं शाम के, तो बड़ी मुश्किल से आज मैंने एक वीडियो बनाया है। तो फिर करूँगा कल से स्पिन टायर्स खेलेंगे कल, और इसको भी खेलेंगे थोड़ा सा, इसमें घर बनाएंगे।
तो वो अभी देखने वाली चीज़ होगी। बस ये दो बार खींचेंगे तो काम हमारा फिनिश हो जाएगा। एक लाइन की छोड़ दी भाई तूने यहाँ पे, ये कौन करेगा, ये मुझे खुद करनी पड़ेगी। अरे बस करो भाई बस करो, क्या कर रहे हो भाई। मैंने आज अपनी स्क्रीन पीछे से हटा के ग्रीन कलर के लगा दिया, आपको शायद थोड़ा थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहा होगा हल्का फुल्का। पहले कल आपने देखी थी वाइल्ड कलर की थी, तो उसको मैंने चेंज कर दिया आज ब्लू से, और सॉरी ग्रीन से। तो आज ग्रीन स्क्रीन है ओरिजिनल, पर ये थोड़ी लाइट है, थोड़ी डार्क चाहिए। और तो बाद में देखता हूँ, एक डार्क कलर का लाऊंगा जो ओरिजिनल ग्रीन स्क्रीन होता है, फ्लोरोसेंट ग्रीन, वो लगाना पड़ेगा। तो वो भी लगा देंगे भाई धीरे धीरे। तो जैसे ऐसे आगे आगे काम चलेगा, चेंजेस होते रहेंगे भाई बहुत सारे। अरे हीटर कहाँ चला गया अपना? हाँ अब तो कोई डर नहीं है भाई, वो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, उनका काम बस वो, क्योंकि अब कोना तो फटाफट हो जाएगा। ये लंबाई जो है सीधा है ना, ये लंबा इसमें टाइम लगता, उस सीधे वाले में टाइम लगे। बस ये सीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम कल इसमें मार देंगे वो अपना हर्बिसाइड। ठीक है भाई, इसमें वीड वगैरह नहीं आएंगे, कोई भी वीड नहीं आएगा इसमें। हमने लगा दिया सोयाबीन, तो ये सीड इसके ख़त्म होने वाले हैं भाई। तो जब तक ये कर रहा है तो एक इसका कितना बचा, फर्टिलाइज़र भी इसमें थोड़ा बचा, तो फर्टिलाइज़र ये सॉलिड वाला है। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके साथ फर्टिलाइज़र भाई 50% तो आपका हो ही जाता है, एक तो मेहनत बचती है, तीन काम हो जाते हैं, काफ़ी मेहनत बच जाती है। बस भाई सर 13 काम हो गया, उसका कितना रह गया, इसका भाई एक टुकड़ा बचा छोटा सा, बस दो बार और होगा भाई ये फिनिश हो गया फिर तो। ये अब ये फंसेगा इसके साथ लगता, नहीं 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 बच गया। अरे बस करो भाई, क्या तुम्हें हो गया अब? अरे यार ये मेरे पड़ोस में मकान वाले भी मेरी जान लेके चले यार, ठटते ही ना ठक 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 ठक, ये फंसे हुए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दूर है, इधर है वो, इधर है, वो दोनों दूर दूर चल रहे हैं। ये दोनों हेल्पर हैं, देखता हूँ कौन सा है। अभी वो उधर जाएगा तो जब तक ये उसके पास पहुँच जाएगा उसका काम करेगा। ये बीच में जिसने लाइन छोड़ दी है ये मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो जब तक हमारा सीडर भी आने वाला है इधर, तो ये इधर आ रहा है अभी, ये पहुंच गया वो क्या है? अच्छा गाड़ी खड़ी है। चल भाई चल, 13 काम हो गया क्या? भाई इसको डिसमिस कर दो, इसने लाइन छोड़ दी, इसको मैं सही कर दूंगा। चल भाई चल करते, ये थोड़ा सा बचा है, ये हो गया, मैं इसको उठा लूँगा ऊपर एक बार और यहाँ से घुस जाऊँगा दोबारा। ये देखो ये पलट जाता है बहुत जल्दी, यानी कि घूमता नहीं है ये। चल भाई कर दे इसको, इसने थोड़ा सा छोड़ दिया यार, इसको एक बार करना पड़ेगा। वीडियो भाई 2 घंटे का हो गया, ये 2 घंटे का वीडियो हो गया भाई, ये शायद सबसे बड़ा वीडियो होगा। तो ये बन जाएगा भाई कोई 30 जीबी का वीडियो हो जाएगा भाई ये। तो चलो आज एक ही डालना है, देख लो यार। अब ये काफ़ी बड़ा काम था भाई, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, छोटा मोटा काम नहीं रहा। अगर इसको मैं टाइम लैप्स कर दूंगा, टाइम लैप्स, तो भाई ये हो जाएगा 10-12 मिनट का या 15 मिनट का। तो फिर उसके साथ कमेंट्री नहीं आएगी भाई मेरी, फिर वो मेरी आवाज़ भी तोतली जाएगी, कहीं 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 बोलूँगा मैं।
उसको अच्छा नहीं लगेगा, अरे किधर जा रहा भाई किधर जा रहा है, अरे यार टेढ़ा चला गया, मैंने बात तो एक बात तो मैं नोट नहीं करा। पीछे तो नहीं रह गया, पीछे तो नहीं, चलो वो भी आ गया, आखिरी चरण में है, वो भी आखिरी उसका काम है और ये भी आखिरी है, बस सीडर भी हो रहा है हमारा, सीडिंग का काम भी हो रहा है, एक बार प्लोइंग हो जाए इसकी बढ़िया सी, बस ये फिनिश है इसका, लास्ट राउंड है इसका, लास्ट राउंड बचा है, उस कोने में थोड़ी थोड़ी रह गई है, वो देखता हूँ इससे ये क्या हुआ। अच्छा सेव हो रही है भाई, इससे पता लग जाएगा, ये यहाँ पे सीडिंग नहीं हुई थोड़ी सी, ये अच्छा दो बार, ये फर्टिलाइज़र दो बार हो गया, ये दो बार फर्टिलाइज़ हो गया, ये 100% हो गया, ये फर्टिलाइज़ दो बार हो गया भाई यहाँ पे। चलो अरे कहाँ गया, अरे यार ये कहाँ चला जाता है, जल्दी कर, पीछे से सीडर भी आ रहा है, भाई यहाँ तक सीडिंग हो गई है, देखो राइट में नज़र आ रहा है सीडिंग यहाँ तक हमारी हो चुकी है, तो ये हमारा हो जाएगा, इधर से खत्म हो गया हमारा काम, ले ये लो उठा लेंगे भाई, उसको कर देंगे फोल्ड, चल भाई फोल्ड क्यों नहीं कर रहा यार, फोल्ड क्यों नहीं करता, ये बात अभी तक समझ नहीं आई, जब मैं एक्स दबा रहा हूँ तो इसको फोल्ड क्यों नहीं कर रहा, इसको एक्स या फोल्ड करना चाहिए ना, टर्न फ्लो पहले बी से टर्न करते हैं, जब तक इसमें ऑप्शन नहीं आएगी उसकी एक्स की तब तक नहीं होगा ये। हाँ भाई ठीक है, ये हो गया फोल्ड, इसको ले चलूँगा भाई यहाँ पे, अरे यार गाड़ी आ गई, चल 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 गाड़ी वाले निकल ले भाई तो, अरे अरे ध्यान से ध्यान से, बोर्ड तोड़वा दिया अम्बखत भाई, ये रह गया थोड़ा सा हिस्सा, रात हो गई भाई, लो काम मैं फिनिश करने वाला हूँ, बस ये इसको कर दूँगा भाई यहाँ पे फोल्ड, बीजे जमा दूंगा एक बार यार, तो ये हमारी ये हिस्सा रह गया था थोड़ा सा, लो भाई ये हो गया, थोड़ा सा ये भी रहता कोना भाई, थोड़ा सा ये भी कर दो, लगता उसका काम फिनिश हो गया, वो खड़ा हो गया, अभी देखता हूँ उसको क्या किया उसने, मैं क्या किया भाई खड़ा क्यों हो गया, अब भाई ये हिस्सा तो रह गया भाई, ये कौन करेगा, अच्छा हेल्पर का काम फिनिश हो गया भाई उसका,
ये टेढ़ा कट गया भाई, कोई बात नहीं, फ्लोइंग तो हो गई। चल भाई करते इसको, ये थोड़ा सा कोना छूट गया था तो इसको भी कर ही दूँ। चल क्या काम तो हो गया फिनिश। लो अब निकल जाता हूँ खेत से बाहर, सारी प्लोइंग हो गई भाई हमारी भाई, बहुत ही मुश्किल से हुई है प्लोइंग आज। आई मीन बहुत बड़ा खेत था तो काफ़ी टाइम लग गया। चलो इसको कर दूँगा एक्स से फोल्ड और इसको ले चलता हूँ भाई, बहुत गंदे हो गए ये फ्लोर हमारे प्लोइंग टूल। इसको ले चलता हूँ उस कोने के अंदर भाई, काम फिनिश हो गया, इसको फिनिश कर देता हूँ, खड़ा कर देता हूँ। वो हमारा था सीडर लगा हुआ, तो सीडिंग में सीडर रुक गया क्या, खड़ा क्यों हो गया वो, अरे 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 सीडर क्यों खड़ा हो गया, क्या हो गया भाई तुझे अब, अरे लगता बीज बीज खत्म हो गए उसके। तो चलो भाई इसका बीज खत्म हो गया, इसमें सीड सोयाबीन लाने पड़ेगी हमें सीड, और फिर ला के इसमें डाल के सीडिंग करता हूँ मैं जब तक। तो ये था भाई आज का गेम प्ले, काफ़ी बड़ा हो गया ये, सॉरी भाई इसके लिए, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी था भाई। और कल बनाएंगे वहाँ पर अपना घर, और वो साइड वाला जो है अपना फील्ड ख़रीदा मैंने आज, आपको मैंने बताया लैंड कैसे ख़रीदते हैं, और ये बड़े बड़े औजार हैं हमारे प्लोइंग के और इसके। तो भाई ये था गेम प्ले आज का, ये कैसा लगा आपको लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब स्टार्स गेमिंग को। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, कल मिलूँगा भाई आपसे, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खाएँ पिए स्वस्थ रहें और एकदम मस्त 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 रहें। बाय बाय दोस्तों।